आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ संविधान दिवस मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान संविधान सभा ने अपनाया था, इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसे पढ़ा देखो, प्रमाण है जिसका सबसे बड़ा जिसका सम्मान है वो भारत का प्यारा संविधान है, वो भारत का प्यारा संविधान है। संविधान दिवस समारोह के मौके पर शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत राजकीय महिला महाविद्यालय सलाहेड़ी में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पटौदी से विधायक विमला चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान विश्व में बेहतरीन संविधान है, जो भारतीय नागरिकों को उनके हित में अनेक अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आज के दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकरण करने के बाद संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था और इसके बाद 26 जनवरी 1950 में से लागू किया गया। ये दिन भारतीय लोकतंत्र और संविधान की महत्ता को समझने और सम्मानित करने का अवसर प्रदान करता है। आज के संविधान दिवस समारोह का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान की संवैधानिक भावनाओं को मजबूत करना और हर नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर विशेष रूप से संविधान के प्रति हमारी जिम्मेदारी विषय पर चर्चाएं की जा रही हैं, जिसमें लोकतंत्र, न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों की महत्ता के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। विधायक विमला चौधरी ने कहा कि भारतीय संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान निर्माण समिति ने लिखा था। डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने संविधान के विभिन्न प्रावधानों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय समाज में समानता और न्याय की गहरी भावनाओं को परिलक्षित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाकर भारत को अखंड भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों को उनके सभी अधिकार मिल रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और प्रदेश की भाजपा सरकार भी मेवात के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं वक्फ बोर्ड हरियाणा के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी को संविधान दिवस की बधाई व शुभकामनाएँ दी। उन्होंने 2015 में संविधान दिवस को राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाने की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व संविधान सभा के सभी सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आभार प्रकट किया व आभार जताया। उन्होंने सभी से अपील की कि राष्ट्रीयता की भावना से काम करें और देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर पहुंचाने में मदद करें। मैं सबको हमारा संविधान दिवस का सबको मैं बधाई देती हूं और जो संविधान बनाया है आज 26 तारीख को बाबा साहब ने, तो इसमें सबका मान सम्मान रखा गया, सबको बोलने का अधिकार दिया गया, सबका अपना अपना अधिकार और मान सम्मान जो आज हम खड़े हैं ये सब बाबा साहब की देन है जो आज हम आपके बीच में खड़े हैं। बाबा साहब ने ऐसे ऐसे महान काम किए हैं जो आज तक किसी ने किए नहीं। बाबा साहब ने हमारे को खुली हवा की सांस लेने का आज हमारे को मौका दिया है। बाबा साहब की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। हमारे बाबा साहब बहुत महान थे।